नुकसान भी ना हो जनाब सिविल सोसाइटी तरफ लगाए गए अज इत जनाब एस एस पी डी सी साहब पीपर तू आए तो उन्हें जनाब अज इत इन्हों इफ्तिताह करना है ते बाकी चेयर वगैरह भी लगिया नहर जो नवा कम हो उस कम हो इस कवरेज इन शाला तसा जो डी सी साहब एस एस पी साहब आफसर वह इफ्तिताह कर सन उन्होंने बारे भी दसा ते बाकी क्या कुछ मालूम होनी अज भी इन शाला इस इंट्रस्टिंग ब्लॉग दसा तो बाकी वीडियो की लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है तो चैनल की सब्सक्राइब भी लाजमी करना है इफ्तिताह तो बाद जनाब इंशाला इन्हों एक प्रोग्राम है रोटी पानी तै वह भी इंशाला इस वीडियो इंशाला तुसांगी दसा ते बाकी इस प्रोग्राम नी क्या कुछ होनी है इनफॉर्मेशन वह भी तुसांगी देने आ ते हुण जुलने आ सारे तो पहला सिविल सोसाइटी वाली टीम आई है जुलगा तुसांगी उन्हां नाल दसने आ ते बाकी और क्या कुछ होना है अज तुसांगी इंशाला वो दसने आ माशाला जी सारी टीम आई है सिविल सोसाइटी दी जनाब डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज साहब ते एस एस पी मीरपुर कामरान अली साहब उन्हें तशरीफ लाने ते उस तू पहला जेड़े इत्थे वेलकम वास्ते सिविल सोसाइटी टीम आई है वह भी तुसां की दस्या वै और जेड़े बंदे आए ने जिन्ना आ के इत्थे पहला डेकोरेशन की है सारी भाई मुबशर साहब स्पेशल साहब दिलदारा तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मैं अप्रीशिएट करना क्योंकि इस कम तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ है सिविल सोसाइटी की माशाल्लाह जी कश्मीर तो पाकिस्तान या झंडिया नाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई है उस तो बाद फुल लाए गए नाल ही जनाब जो दरख्त लाए गए उन्होंने इफ्तिताह है नाल ही माशाल्लाह सोहना जहाँ नहर ना व्यू जो चेहरा लगाई गई माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह तक कितना सोहना नहर निकलना डेकोरेशन की इन्हें इतने जनाब स्पेशल अज जे आवन लगे ने सारे गेस्ट जिन्हें इफ्तिताह करना वै पौधा ला के इतने जनाब इफ्तिताह कर सक ये जेडे पौधे लाए गए इन्होंने सारे ने इफ्तिताह किया जा सके नहर के किनारे माशाल्लाह तक कितना सोहना व्यू है माशाल्लाह जी ये रावलाकोट नहीं तो असने इलाके नहीं खूबसूरत आवाज़ काई तैयब तारण की भी साहब माशाल्लाह इतने ही पौधा जोड़ा इतना लाया जा सी बाकी आ जगह छोड़ी ने उस तो बाद जनाब नहर ने किनारे किनारे फुलदार पौधे भी लाए गए ए जे वे सायेदार जी काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो गई है अवाम जी इलाके नहीं माशाल्लाह उस तो बाद फलाही तनजीम जड़ियाँ उन्होंने कारखाना बाकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इतना आ गए हूँ आप
रोटी पानी आ गया इतना हूँ डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज साहब तो एस एस पी कामरान अली साहब इतना अफसर हूँ इतना इन्होंने वेलकम किया जा सी बाकी जनाब कारी सरद साहब नाल चाचू जी माशाला इतना आए न बाकी हूँ जुले अंदर तो इंशाला तुम अंदर ही जल्द दसनी है इतना जनाब प्रोग्राम हो सी तो इंशाला थोड़ी देर बाद दसा तो माशाला है जी गैदरिंग है रोटी पानी का इतना जो प्रोग्राम सजाया गया यही है कि इतना जो सर्टिफिकेट वगैरह या शील वगैरह दी जा सक بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت صدق الله العظيم میرے بہت ہی قابل احترام ہیں میرے گھر کے بندے ہیں جناب اوورسیز رانواز ملک محمد فیاض صاحب تو ملک فیاض صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں اور بینر پر ان کے والد محترم بابا محمد اشرف صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ شخصیت کے مالک تھے انتہائی مرن جان مرن شخصیت کے مالک تھے اگر آپ میں سے وہ ان سے ملا ہے زندگی میں تو وہ پہچانتا ہوگا کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے دوستوں کے دوست سے میرے والد محترم کے ساتھ ان کا بھائیوں سے بڑھ کر تعلق تھا اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے تو میری دعا ہے پیار صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سائے جمیلہ ان کے لیے تو شاعرت بنائے سارے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ جس طرح بلدیہ کا ادارہ منسٹر کا ادارہ امین پور میں اپنے ایک سسٹم کا بنا ہوا ہے اور وہ ویسٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں اسی طرح گاؤں کی سطح تک اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی معیشت میں اوور سیز کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ میرپور جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چمک دمک جو بھی رونق نظر آ رہی ہے جزار اوور سیز کے حوالے سے ہے
जनाब ने डिप्टी कमिश्नर साहब चैरिटी डिनर किया और उस चैरिटी डिनर में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि ब्रिस्टल कम्युनिटी के लिए एक दफा क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इसी तरह ओवरसीज में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मौजा बटानिया से तल्लक है, चौधरी परवेज साहब इम्तियाज साहब के राइट हैंड है, जब भी उनको किसी हवाले से कॉल दी गई, अभी हाई स्कूल अफजलपुर का जिक्र हुआ, तो उसकी तहमीर में लिहाज साहब सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरी मालूमात के मुताबिक है चौधरी परवेज साहब, तो अगर इस मौका पर उनको भी ना याद किया जाए तो ये भी जाती है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और दीगर भी जितने हमारे ओवरसीज हैं हम सब सलाम पेश करते हैं, उनके आने से पहले खड़े होकर तमाम लोग इनका इस्तकबाल करें, हमारे लिए दाई अवेलेबल है, हमारे इलाके से तल्लक करते हैं। कड़ी शरीफ माशाल्लाह एक जरखेज़ खित्ते का नाम है माशाल्लाह, और हम लोगों ने हमेशा चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एनजीओज हो, इस हवाले से हमेशा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी वेल एजुकेटेड है, हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम चीज़ों को थिंक करना, उनको प्लान करना और उनको एग्जीक्यूट करना जानते हैं, तो आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है आज के आइडिया की वजह से हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है, और बुनियादी तौर पर जो बारिश का पहला कतरा होता है उसी ने डिफरेंस डालना होता है, तो ये बारिश का पहला कतरा है, इंशाल्लाह इसी से बरसात आएगी मुझे पूरी उम्मीद है, और जहाँ पे ये छोटे छोटे काम हैं लेकिन माशरे कौमें इन्हीं छोटे छोटे कामों से बनती हैं, और इन छोटे छोटे कामों को आप इग्नोर करना शुरू कर दें तो फिर माशरों की वही हालत होती है जो तीसरी दुनिया में हम देख रहे हैं, तो आपकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमारे जो ओवरसीज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको फंड किया है सारे प्रोजेक्ट को, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के तमाम अदारों के तामन की बात है वो इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा रहा है, आपके साथ हमेशा रहेगा, और खड़ी का बेटा होने की हैसियत से मेरी और एसएसपी साहब की आप लोग हमेशा प्रायोरिटी रहे हो, ताकि इस वतन को, आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान को हम मिल के आगे लेके जाएं, और जब ये वतन हमारा आगे जाएगा तो उसी सूरत में इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भी आज़ादी नसीब होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कोई गिला नहीं, मैंने वैसे डीसी साहब से हजरत हमने एक बात की, मैंने कहा कि हम भी जो खड़ी करे यहीं से जाके पंजाब में आबाद, तो मेरा भी लोग इसी इलाके से लगा, आप सारे दोस्त अब आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी आज इस सारे प्रोग्राम को तरतीब दिया, वैसे मैं डीसी साहब की बात तो बात मुनासिब ही होता मेरा उस तरह से बात करना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर वक्त में, चूँकि आपने आज एक अच्छे प्रोग्राम का निकाल दिया तो मैं भी आपने जो भी बातचीत है उसका इजहार करूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने बाबा जान पे हमने प्लांटेशन की ड्राइव थी वहाँ भी मैंने बात की कि इस वक्त पूरी दुनिया में खास तौर पे ये जो हमारा खत्ता है इसमें भी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, हम ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज के जो वर्स किस्म के जो इम्पैक्ट्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनको फेस कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन पिछले 5-7-10 सालों में जो हुई, जो सैलाब आए 2008 में आए, उसके बाद 2017-18, 2019 में जल्जले आए, ये सारी चीज़ें आपने देखी, सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं आप सारे दोस्तों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने भी यहाँ पे इसका आगाज किया है, लेकिन इसका सिर्फ आगाज नहीं, आप लोगों से ये तो है, आप लोगों से ये रिक्वायरमेंट है, इसकी जो सेफ्टी है, इसकी जो सिक्योरिटी है, इसको भी इंश्योर किया जाए ताकि जितने भी पौधे लगे, जितने भी दरख्त लगे, हम इनको फिर अगले साल देखते कि ये बढ़ रहे हो, ये परवान चढ़ रहे हो,
1500 आपने जो नंबर बताया, मैं समझ रहा हूँ जितने हमारे खड़ी के माशाल्लाह मुतहरक दोस्त हैं, जितने एक्टिव दोस्त हैं, ये 1500 नंबर कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते हैं ये 15,000 है तो मुझे इससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है। जैसे डीसी साहब ने डिटेल से बात की, मुझसे साहब ने पहले पूरा ज़ाहिर अपना जो भी उनका मुकदमा था, जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, जो मजीद उनके प्लान है, मैं भी आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इंश्योर कर पाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा पूरा तावन आपके साथ रहेगा। देखिए और आपसे जनाबे साहिब सदर, मेरे मोहतरम वाजिब एहतराम डिप्टी कमिश्नर साहब, डॉक्टर यासर रियाज साहब, एसएसपी कमर अली साहब और डीएफओ इमरान शफी साहब, बाकी मेरे दोस्त, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम को सबाब आसान। सबसे पहले तो मैं जिन इंतजामिया जनाब डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज साहब का और एसएसपी साहब का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सिविल सोसाइटी का इसके शजिकाई मुहिम में इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत फरमा कर इनकी हौसला अफजाई की, मैं इनका आपका मशकूर मंदू। दूसरी बात, कोई भी इस जदीद दौर में शजरकारी के हवाले से, मालियाती अलूक के हवाले से शजरकारी को तो इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में बात पेश करता हूँ कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत आ जाए और तुम ऐसे किसी के पास पौधा हो और उसको अगर उसके में हिम्मत हो तो उसको पौधा लगाना चाहिए। तो इससे मालूम होता है कि शजरकारी या दरख्तों की अहमियत कितनी अहमियत है, कि मेरे लिए जो भी आप हुक्म करेंगे मैं आर लिहाज से आपके साथ काम करूँगा। आखिर मैं इतना तो मुकर्र नहीं हूँ, पहली दफ़ा शायद मैं इतने पंडाल में ये बात कर रहा हूँ। मैं इंतहाई आपका सबका शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पर मिर्जा अलियास साहब बैठे हुए हैं, मिर्जा काउंसल चेयरमैन मदर इकबाल साहब बैठे हुए हैं, बाकी तमाम दोस्त मास्टर महमूद साहब हैं, बाकी सभी दोस्त हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ। अस्सलाम वालेकुम। तीस मिनट सेकंड का स्टेटस होता है, एक मिनट की बात कर सकते हैं। तो मैं उस हवाले से अपनी बात को नायब मुख्तसर करते हुए डिप्टी कमिश्नर मीपर चौधरी यासर रियाज साहब, एसएसपी साहब कामरान साहब, मलिक शाह साहब, इम्तियाज बट साहब, अपने बड़े भाई चौधरी सागर साहब, मिर्जा रियाज साहब और जितने भी दीगर मेहमान आने ग्रामीण मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेबल हैं जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पे इस सख्त गर्मी में पहले तो सांग में इंतजार करते रहे, फिर दोबारा अपना कीमती वक्त दिया। छोटी सी बात करूँगा, सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट यह है कि एक मुर्दा माशरे में लोगों को नई उमंग, नई मोटिवेशन देना, उनको डायरेक्शन देना और गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर उनके दायां और बायां बाजू बन के सोसाइटी को ऊपर लेके आना। इसमें जितने भी रिटायर्ड हमारे लोग हैं उनसे हम तजावीज लेते हैं, उनको एक टाइम देते हैं कि आप घर में ना बैठे, बाहर आते हैं, वर्कआउट करें, जितने यंगस्टर हैं उनको अपने साथ लगाते हैं और माशरे की तामीर और तरक्की के लिए अपना मुस्बत रोल प्ले करते हैं। और आपसे हमें यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि जो भी हम इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं उसमें आपकी रहनमाई, आपकी तरफ से टेक्निकल जो हमें फैसिलिटीज़ हैं वो अगर प्रोवाइड हो जाए, हम इस स्टेट को एक दुनिया की नंबर वन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं वो दिखवा लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इबादत के बाद दुआ मांगना ये इबादत का मर्ज है।
तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि लोग कहते हैं जल्दी दुआ जल्दी जल्दी, अल्लाह ताला सारे नामों को बुलो बुलो फरमाए, अल्लाह ताला जिस तरह मलिक फयाज साहब ने और जनाब चौधरी वाजिद अली साहब ने और इन्होंने सारी टीम ने इस सारिया का धन्यवाद व्यक्त करो बुलो फरमाए, हमारे मेहमान खुशी तशरीफ लाए, उनका नाम बुलो बुलो फरमाए, सब की हाजिरी को हाँ जी जनाब आई नहीं जी वीडियो सी इतने तक कि रोटी पानी तो है बाकी सर्टिफिकेट जरा लब्भा है सिविल सोसाइटी तरफों वो भी तुसें दसिया है बाकी जी वीडियो है वो तुसें दसी है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर लाजमी करे अज्जी वीडियो इतने तक मेरे साथ नैक्सट तक इंट्रस्टिंग वीडियो नाल हसने वसने रहो तो सोने वाले।